Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you all are safe and sound here at your home. तो आज हम लोगों ने आंसर क्वेश्चंस करनी है, ठीक है? ये हमारे बुक से दो टॉपिक्स रह गए, लेकिन उनकी स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा उसके अंदर से आंसर क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24. व्हाट इज द हाइपरटेंशन, जो कि एक रीनल फेलियर में हमने पढ़ा था, रीनल फेलियर की रीजन है, ठीक है? लास्ट टाइम हमने डायबिटीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज द हाइपरटेंशन. इट इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन बॉडी, कि जब बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस दौरान कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं और ये रीनल फेलियर की वजह बनती है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन. व्हाट इज द डायलाइजर, डायलाइजर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मैथड, इट इज कॉल्ड डायलाइसिस. और डायलाइसिस के लिए जो हम लोग अपरेटस यूज कर रहे होते हैं, जो मशीन यूज कर रहे होते हैं, That is called dialyzer. It is done by a machine called dialyzer. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 26. What is the kidney transplant? ठीक है. किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? In this method, a kidney donated by some healthy person is grafted in the body of the patient, and the donor of kidney may be blood relative or any other close relatives. मतलब ये कि हमने जब रिनल फेलियर में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी वजह क्या है. अब उसके बाद उसका मेथड क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि हर इंसान के पास दो किडनीज होती है और नॉर्मली एक इंसान एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है. इसलिए अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, खराब हो जाती है किसी वजह से, तो कोई भी हेल्दी पर्सन उसके साथ अपनी किडनी शेयर कर सकता है. लेकिन उसकी रीजन क्या है, जो डोनर होगा जो अपनी किडनी किसी मरीज को देगा, उनका या ब्लड रिलेशन होना चाहिए या उसके अलावा कोई और उनके दरमियान, उनके ब्लड के दरमियान या उनके ऑर्गन्स या उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी किडनी दूसरे को दे सकता है. आप ऐसे किसी की किडनी किसी को नहीं दे सकते. किडनी देने के लिए उनके दरमियान कुछ सिमिलरिटीज या रिलेटिविटीज भी होनी चाहिए. इस तरीके से आप किडनी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक किडनी से कोई भी इंसान नॉर्मल हेल्दी लाइफ रह सकता है. इसलिए जिसकी दोनों किडनीज खराब हो जाए उसको वो किसी और बंदे से किडनी लेकर एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकता है. ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन है 27. नेम एनी टू वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यूरिन और फीसेस. ये दो वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको किडनी हमारी बॉडी से रिमूव भी करती है. हाउ स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन द किडनी एंड हाउ कैन दीज मे बी रिमूव, किडनी स्टोन बॉडी में कैसे बनता है और उसको बॉडी से कैसे रिमूव किया जा सकता है. देन हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से है. सम टाइम किडनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली टू रिमूव द साल्ट फ्रॉम बॉडी, यानी वेस्ट मटीरियल जो सॉल्ट होता है वेस्ट, कुछ कभी कभार होता है कि बॉडी उसको प्रॉपरली जो है ना किडनी बॉडी से उसको रिमूव नहीं कर पाती. इन दिस सिचुएशन द साल्ट गैदर इन किडनी, साल्ट क्या है, किडनी में इकट्ठा होता रहता है एंड फॉर्म स्टोन, और वहाँ पे एक स्टोन की शक्ल बना देता है. स्टोन कैन बी रिमूव इन थ्री वेज. अब उस स्टोन को किडनी से रिमूव किया जा सकता है तीन तरीकों से. बाय ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज्यादा पानी पिया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीने से हो सकता है वो स्टोन वहाँ पे ब्रेक कर जाए, डिजोल्व हो जाए और वहाँ से यूरिन के जरिए रिमूव हो जाए. देन लिथोट्रिप्सी, ठीक है, लिथोट्रिप्सी के जरिए उसको रिमूव किया जा सकता है, या फिर शॉक वेव के जरिए जो है स्टोन को बॉडी से रिमूव किया जा सकता है. ये तीन मेथड है जिनके जरिए स्टोन को बॉडी से रिमूव किया जा सकता है. तो ये तो आज के मेरे क्वेश्चंस थे. ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नीट कॉपीज पर लिखने और इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.